नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष अधिवक्ता रोहित जैन की अध्यक्षता में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का आयोजन जिला सेवादल अध्यक्ष कुलदीप सिंह गुल्लू और उपाध्यक्ष हरजीत बब्बल ने किया और मंच संचालन देवेंद्र बजाज ने किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शाम 6 बजे अंबिका देवी मंदिर अंबाला शहर के पास एकत्रित होकर बढ़ती कीमतों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने बड़े ही अनोखे और दिलचस्प अंदाज में हाथ में टमाटर लेकर, गैस सिलेंडर को फूल माला पहनाकर और तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। रोहित जैन ने कहा कि मोदी सरकार ने 100 दिनों में महंगाई और बढ़ती कीमतों को कम करने का वादा किया था, लेकिन अपने शासन के 9 साल बाद भी ऐसा करने में सरकार पूरी तरह से विफल रही। रोहित जैन ने कहा कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि महंगाई है, जिससे भारत का हर नागरिक परेशान है, क्योंकि सब्जियां, खाद तेल, दालें, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर सभी के रेट बहुत ज्यादा हैं। टमाटर की कीमतें 100 रुपए किलो, दालें 150 से 220 तक पहुंच गई हैं। रोहित जैन ने कहा कि मोदी सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार ने आम आदमी की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। सरकार की जन विरोधी नीतियों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज देशवासी हताश और निराश हैं। सरकार से लेकर सिस्टम तक उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। जनता की थाली छीनने वाली सरकार ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। नमक, तेल, आटा और सिलेंडर की कीमतें तो पहले से ही आसमान पर थीं, मगर अब सरकार ने लोगों की रसोई से टमाटर भी गायब कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि टमाटर पैदा करने वाले किसान दुर्भाग्य के आंसू बहाने पर मजबूर हैं। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। अगर नाम नालू में वैसे शुरू करूं तो उसकी जगह सारे जितने भी आज यहां पर लोग आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने यहां आकर हरजीत जी और गुल्लू जी का ये जो कार्यक्रम था सोडी साहब का, इसको सफल बनाया, आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा। लेकिन जो लोगों के दिलों में राहुल गांधी जी आ गए हैं, कुमारी शैलजा जी आ गए हैं, हमारे नेता आ गए, खड़गे जी आ गए हैं, उनको आप तो लोगों के दिलों से कैसे मिटाओगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप किस प्रकार से देख रहे हो नगर निगम में कार्य हो रहे हैं। हम लोग कोई जगह देते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, ये सोच के लेते हैं कि आने वक्त काम आएगी, मेरे पास प्लॉट पड़ा है, मेरे पास घर पड़ा है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।